संभल पिटने के बाद भी नहीं सुनी जाती फरियादी की फरियाद, फरियादी एसपी ऑफिस जाने को मजबूर। जनपद संभल के थाना रजपुरा गांव न्योरा ब्योरा के निवासी एडवोकेट रविंद्र कुमार टिंकू मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी मुरादाबाद का आरोप है कि अमर सिंह पुत्र राजा राम का पुत्र वीरपाल अपने खेत में पानी चलाने गया था, तभी दूसरे के खेत में सोच के लिए गया, तभी अपने खेत में देख मनवीर पुत्र सोपाली व उसके भाइयों ने उसको जाति सूचक शब्द बोले और गंदी गंदी गालियां दी और मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे प्रार्थी घायल हो गया। घायल को रजपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने संभल के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान प्रार्थी जब शिकायत पत्र लेकर थाने जाता है तो उसकी नहीं सुनी जाती, फरियादी फिर एसपी ऑफिस आकर मदद की गुहार लगाई। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है एडवोकेट रविंद्र कुमार टिंकू, मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी मुरादाबाद। तो यहाँ पर आप एसपी ऑफिस आए किस लिए आए थे? हाँ, किस लिए आए थे? यहाँ पर एक राजपुरा थाने का मामला है, एक हमारे एक व्यक्ति को इतना मारा गया, पीटा गया, जरा सी बात को लेकर का, और फिर वो थाने में प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं तो फिर घेर के मारते हैं दोबारा। इतने दबंगे संवैधानिक तरीके से कोई काम नहीं हो रहा, पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारी कर्मचारी जो है ये सत्ता के पक्ष में आकर के दबाव में काम कर रहे हैं। तो इसको मारा था, आपने उसके खिलाफ तहरीर दी थी? तहरीर हाँ, राजपुरा थाने में ये लोग तहरीर देने गए थे लेकिन वहाँ पर तहरीर जाने ही नहीं दिया उन दबंगों लोगों ने। तो यहाँ पर आप यहाँ पर मिले थे? हाँ, यहाँ पर साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है और अभी आदेश किए हैं, बोले मुकदमा पंजीकृत होगा, जिस दिन धाराओं में जैसे जैसे आपने लिखा उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा। और हमने मांग की है एक एससी एसटी एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत हो और इरादा करताल 307 के तहत भी उन पर मुकदमा पंजीकृत। वो कौन लोग हैं? वो लोग भी पिछड़े वर्ग से आते हैं।